हेलो फ्रेंड्स, टेक एंड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको टेस्ट एंड स्केच पॉइंट के बारे में बताया था। आज मैं ऑफसेट एंटिटीज एंड कन्वर्ट एंटिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई ड्राइंग बना लेते हैं। हमने पॉलीगॉन बना लिया, उसके बाद हम ऑफसेट एंटिटीज पे गए। फिर यहाँ से जो भी हमें ऑफसेट डिस्टेंस देनी है, मान लीजिए हमें 0.60 देनी है या जो भी रखनी है, वो हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से एंटिटी को सेलेक्ट कर लिया जो ड्राइंग हमने बनाई थी। एक एंटिटी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सेलेक्ट चेन था ना, पहले से टिक था, तो ये हमारी पूरी ज्योमेट्री को एक साथ ही ले लेगा। क्लियर? अब ये देखिए, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस है, उसको रिवर्स करना है, तो हम यहाँ पे रिवर्स पे गए, तो ये देखिए ये रिवर्स डायरेक्शन पे हमारा ऑफसेट हो गया। क्लियर? अगर हमें दोनों डायरेक्शन पे इसको ऑफसेट कराना है, तो हम यहां से बाय डायरेक्शनल पे गए। ये देखिए दोनों डायरेक्शन पे हमारा ये ऑफसेट हो गया। अब देखिए, हम बेस ज्योमेट्री को अगर हम कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह दिखाना चाहते हैं, तो हम यहां से बेस ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं यहां से इसको ओके कर देता हूं। तो ये देखिए, यहां पे जो हमारी बेस ज्योमेट्री थी वो हमको कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह शो होने लगी। क्लियर? अब देखिए, मैं और ऑप्शंस बताता हूं। सबसे पहले लाइन की हेल्प से हम कोई ड्राइंग बना लेते हैं। हमने कोई ड्राइंग बना ली। अब देखिए, हम ऑफसेट एंटिटीज में गए, उसके बाद हमने यहां से कोई ऑफसेट डिस्टेंस दे दी, मान लीजिए हमने 0.60 दे दी। अब यहां पे देखिए, ये सेलेक्ट चेन जो है वो सेलेक्ट नहीं था। अगर ये सेलेक्ट होता तो वो एक बार में पूरी ड्राइंग को ऑफसेट करा देता। अब ये सेलेक्ट नहीं है तो ये केवल एक एंटिटी को ऑफसेट कराएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हमने देखिए ये पर्टिकुलर एंटिटी सेलेक्ट की, तो ये देखिए ये केवल ऑफसेट हुआ है। अब यहां पे देखिए, ये हमारा बाई डायरेक्शनल सेलेक्ट था, तो हम इसको अभी हटा लेते हैं और यहां से इसको, इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेते हैं रिवर्स, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखिए, ये हमारा कैप एंड्स का ऑप्शन है, अगर हम इसको हटा लेते हैं तो ये देखिए ये हमारा ऑफसेट है, ये मैच नहीं है इससे। क्लियर? अब हम अगर कैप एंड्स को सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए ये हमारे दो ऑप्शन है, एक आर्क का ऑप्शन है और एक लाइन का ऑप्शन है। आर्क के ऑप्शन में क्या होता है, ये जो हमारी ऑफसेट डिस्टेंस है वो जब मैच होगी तो वो आर्क के शेप में मैच होगी, और अगर लाइन सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए वो ये लाइन पे आएगी। मैं एक एक करके दोनों बार दिखा देता हूं आपको। अभी हमने लाइन सेलेक्ट किया था और यहां से ओके किया, तो ये देखिए ये जो हमारी मैच हुई है ऑफसेट डिस्टेंस, वो लाइन के शेप में हुई है। हम फिर से ऑफसेट एंटिटीज में गए, हमने क्या है कैप एंड यहां से सेलेक्ट किया। एक मिनट, पहले हम ऑफसेट कर लें, ऑफसेट जिस भी एंटिटी को ऑफसेट करना था उसको सेलेक्ट किया, यहां से हमने रिवर्स कर लिया, फिर कैप एंड में हमने जो है वो आर्क सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये देखिए, ये जो हमारी मैच हुई है ऑफसेट डिस्टेंस, ये आर्क की हेल्प से हुई है, यानी कि हमें आर्क के शेप में दिखा रहा है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक सिंपल सी ज्योमेट्री बना के फिर से बता देता हूं ऑफसेट करना। हम एक सर्कल बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऑफसेट एंटिटीज में जाते हैं, जो भी हमें ऑफसेट डिस्टेंस देनी है उसको घटा बढ़ा लेते हैं या कुछ भी रैंडमली, मान लीजिए हमने इसको एक दे दी। उसके बाद हमें रिवर्स डायरेक्शन में करना था, हम रिवर्स डायरेक्शन में कर लेते हैं। क्लियर? बाई डायरेक्शनल करना था, बाई डायरेक्शनल कर लेते हैं और ओके कर दिया। ये देखिए, ये हमारा वन का जो है वो ऑफसेट हो गया। अब देखिए, मैं आपको कन्वर्ट एंटिटीज के बारे में बताता हूं। पहले यहां से हम कोई न्यू पार्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं। कन्वर्ट एंटिटीज क्या होता है, किसी भी प्रीवियस स्केच को कन्वर्ट करके हम कोई नया स्केच बनाते हैं, उसको हम कन्वर्ट एंटिटीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई दूसरा स्केच बनाना है, बट
हमको उसका डायमेंशन सेम रखना है तो बार बार हमें वो बनाने की जरूरत नहीं है, हम कन्वर्ट एंटिटीज की हेल्प से उसको दोबारा बना सकते हैं। कैसे, मैं करके बताता हूं। हमने यहाँ पे पहले कोई स्केच बना लिया, मान लीजिए हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर लाइन की हेल्प से इसके ऊपर एक और स्केच बना दिया, क्लियर। अब देखिए हमने यहां से एग्जिट स्केच कर लिया, फिर कोई प्लेन सेलेक्ट किया, हमने टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम कन्वर्ट एंटिटीज में गए, ये हमारा कन्वर्ट एंटिटीज है, इस पे गए, फिर एंटिटीज टू कन्वर्ट, जो भी एंटिटी हमको कन्वर्ट करनी है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए हमने ये तीन चीजें सेलेक्ट कर ली, मैंने पूरा नहीं सेलेक्ट किया क्योंकि बाद में ये कन्वर्ट होके शो होगा तो सेम दिखेगा, मैं केवल इतना पोर्शन लेता हूं इसका, इतना पार्ट, ताकि इजली आप लोगों को समझ में आए। उसके बाद हमने यहां से इसको ओके कर दिया। फिर देखिए ये जो है ये हमारा बन गया, हम कैसे पता लगा सकते हैं, हम यहाँ स्केच पे गए, हमने हाइड कर दिया, तो जो पहले प्लेन पे बना हुआ हमारा स्केच था वो हाइड हो गया है, तो ये देखिए जो हमने कन्वर्ट किया था वो हमारा दूसरे प्लेन पे डेवलप हो गया है, क्लियर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। थैंक यू।